बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बीएमएस बीकॉम क्लास बीकॉम का क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है द मीन वेट ऑफ 45 बॉयज इज 120.4 एलबीएस एंड 37 गर्ल्स इज 116.7 एलबीएस एंड दैट ऑफ 5 टीचर्स इन 122.3 LBS कैलकुलेट वेटेड मीन। अब इसमें आपने वेटेड मीन को कैलकुलेट करना है। आप फर्स्ट इसमें वेट्स दिए हुए हैं, ये वेट्स वेट जो दिए हुए हैं वो आपके पास है 45, जो तादाद है वो वेट है 45, 37 एंड 5, और जो एक्स है हमारे पास वो है, पहली वैल्यू है 120.4, दूसरी वैल्यू है 116.7, तीसरी वैल्यू है 122.3। अब हमने वेटेड मीन को कैलकुलेट करना है तो पहले हम इसके लिए फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला क्या है इसका, समीशन डब्ल्यू एक्स डिवाइड समीशन डब्ल्यू। अब हम डब्ल्यू एक्स को कैलकुलेट डब्ल्यू एक्स मालूम करने के लिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 45 मल्टीप्लाई 120.4 तो ये हमारे पास आ जाएगा 5418। इसी तरह से 37 मल्टीप्लाई 116.7 तो हमारे पास आ जाएगा 4317.9। इसी तरह से 5 मल्टीप्लाई 122.3 मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 611.5। ये हमारे पास डब्ल्यू एक्स वाला फार्मूला है। अब हम इसको प्लस कर लेंगे, इसकी हमें ज़रूरत नहीं होती प्लस करने की, एक डब्ल्यू एक्स चाहिए और दूसरा डब्ल्यू। अब हम 5418 प्लस 43179 प्लस 611.5 इनको ऐड करने के बाद हमारे पास आ जाता है 10347.4। इसी तरह से 45 37 और 5 को ऐड करने से हमारे पास आ जाता है 87। इस तरह फिर इसमें वैल्यू पुट कर लें, सबमिशन डब्ल्यू एक्स 103.47.4 डिवाइड 87। अब वेटेड मीन के लिए हम इसको 103.47.4 को डिवाइड कर देंगे 87 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 118.93। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 सारे ही सेम हैं, सब में मीन मीडियन मॉड कैलकुलेट करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 वेट 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75। अब दूसरे नंबर पे आपके पास फ्रीक्वेंसी है 2, 7, 12, 18, 13 एंड 3। अब इसमें कैलकुलेट पहले जो चीज़ करनी है मीन, तो हम मीन का फार्मूला लिख लेंगे। मीन का फार्मूला होता है समीशन एफ एक्स डिवाइड समीशन एफ। अब हम इसके लिए पहले एक्स वाला कॉलम बना लेंगे। एक्स वाला कॉलम किस तरह से बनाना है, आपके पास ये जो वैल्यू है ना 45 प्लस 50, इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर लेना है, टू से डिवाइड कर लेना है। मैं सहूलत के लिए एक वैल्यू लिख भी देती हूँ, एक्स किस तरह से बनेगा 45 प्लस 50 डिवाइड टू। अब इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर देना है और टू से डिवाइड कर देना है, टू से डिवाइड कर देना है, ये आ जाएगा आपके पास 47.5।
47.5। इसी तरह से 50 प्लस 55 डिवाइड 2 52.5, और इसी तरह से आपने 55 प्लस 60 को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना है तो आपके पास आ जाएगा 57.5। इसी तरह से आपने 60 को 65 को प्लस कर देना है और 2 के साथ डिवाइड कर दें 62.5। 65 को 70 में प्लस कर लें और 2 से डिवाइड कर लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 67.5। 70 प्लस 75 डिवाइड 2 72.5। अब ये हमारे पास आ गया x। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, एफ एक्स वाला कॉलम बना लेना है। एफ एक्स वाला कॉलम किस तरह से बनेगा, आप f को x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई 47.5 95। इसी तरह से 7 मल्टीप्लाई 52.5, ये आपके पास आ जाएगा 367.5। इसी तरह से 12 मल्टीप्लाई 15.7, ये आ जाएगा 690। 18 मल्टीप्लाई 62.5 1125। 13 मल्टीप्लाई 67 877.5। इसी तरह से 3 को मल्टीप्लाई 72.5 से करेंगे तो आ जाएगा 217.5। अब इसको आपने प्लस भी कर लेना है क्योंकि हमारे पास एफ एक्स का समीशन चाहिए, तो ये आपके पास समीशन एफ एक्स आ जाएगा 3372.5। और f का भी चाहिए, 2 प्लस 7 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 13 प्लस 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 55। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे, समीशन f x की वैल्यू हमारे पास है 3372.5। समीशन f की वैल्यू है 55। तो इस तरह से हमारे पास मीन को डिवाइड करने के बाद आ जाएगा 61.37। इस तरह से हमें दो चीज़ें फाइंड आउट करनी थी, एक मीन और दूसरा मीडियन। तो हमने मीन कैलकुलेट कर लिया है, अब हम मीडियन कैलकुलेट करेंगे। अब मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें बनानी पड़ती हैं हमें, एक तो सी बी और दूसरा सी एफ। सी बी के लिए अगर तो मसलन ये देखें, जिस तरह से इसकी अपर लिमिट इसकी लोअर लिमिट सेम है, इसकी ये सारी ये सब जगह पर फिर सेम होगी, तो फिर इसमें हमें सी बी नहीं बनानी पड़ती है, हमारे पास बनी हुई होती है। इसकी अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट अगर सेम हो तो फिर इस क्वेश्चन में हमें सी बी वाला कॉलम नहीं बनाना, सिर्फ सी एफ वाला कॉलम हम बनाएंगे। सी एफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए हम सबसे पहले ये हम एफ से ही बनाएंगे। एफ की फर्स्ट वैल्यू है आपके पास 2 को इसी तरह से लिखेंगे। अब 2 में फिर कैलकुलेटरी भी इसी तरह से 2 प्लस 7 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9। फिर 9 प्लस 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 21। फिर 21 में आप 18 को प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 39। 39 में प्लस 13 कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 52। फिर 52 में आप 3 प्लस कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 55। आपके पास सी एफ वाला कॉलम यानी कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम कंप्लीट हो गया। इसको बनाने के लिए हम इस तरह से सबसे पहले हम इधर ये जो 2 है ना ये 2 लिखेंगे, फिर 2 प्लस 7 9 आ जाएगा, फिर 9 प्लस 12 21, फिर 21 में 18,
39 पे 39 में प्लस 13, फिर 52 में 3 प्लस। इसको चेक करने के लिए कि ये कॉलम ठीक है या गलत है, हम F के सबमिशन को देखेंगे। F का सबमिशन यहाँ पर कितना आ रहा है, 55। F के सबमिशन 55 से ये है कि अब इसकी जो लास्ट वन पे जो वैल्यू आती है ना, वो भी ये सबमिशन F के साथ मैच करनी चाहिए, यानी कि ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू सेम आनी चाहिए। अगर ना आए तो इसका मतलब है कि सी एफ वाला कॉलम गलत है आपका। ये मैंने एन से इसलिए लिखा क्योंकि सबमिशन एफ और एन एक ही चीज़ होते हैं। यहाँ पर मसलन मीडियम के लिए हमें एन चाहिए होगा, तो इस वजह से हमने। अब इसके बाद हम मीडियम का फार्मूला लिखेंगे। मीडियम के फार्मूला लिखने से पहले आप लोगों ने एक्स के ऊपर इस तरह से डाल देनी है बिल्कुल। आप ये इसको ये आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, उस वक्त उसको पढ़ते थे अलिफ अलमदा। लेकिन यहाँ पर हम ये जो ये वाला साइन है ना, इसको हम पढ़ेंगे चिल्डा चिल्डा। ना पढ़ना है तो अलमदा ही पढ़ने, लेकिन होता ये वर्ड जो ऊपर लिखते हैं इसके ऊपर ये साइन, इसको चिल्डा एक्स चिल्डा। मीडियम के लिए हम ऐसे लिखते हैं कि एक्स चिल्डा इज इक्वल टू एल प्लस एच by f n by 2 minus c f। अब फार्मूला लिखने के बाद ये असल में सबका मेथड है कि जैसे चाहे वो बी काम का हो, बीबीए का हो, फर्स्ट ईयर का हो, या फिर कोई भी मसलन जिसमें भी मीन फाइंड आउट करना है, सब बुक्स में मेथड सबका एक जैसा होता है। बस सिर्फ आप मीडियम का मेथड समझिए कि मेथड किस तरह से होते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन लेके सॉल्व कर सकते हैं और इजीली सॉल्व हो जाता है। बुक्स में कुछ नहीं कि कोई किसी बुक में ये होगा वो होगा, बस आपने ये जो है ना सारा अच्छी तरह से जो आपने जो आपकी बुक पे फिर हुआ तो उसमें आपने अच्छी तरह से इसी ये मेथड अप्लाई करके करना है, तो आप लोगों का आंसर ठीक आ जाएगा। बल्कि टेंथ क्लास में भी है टेंथ। तो अब मीडियम का फार्मूला लिखने के बाद हम जो सबसे पहला काम करते हैं, जैसे हम पढ़ते रहते हैं कि पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, इधर भी हम यही करेंगे कि हम n बाई टू को लिखेंगे कि n बाई टू हमारे पास कितना है। यहाँ पर लिख लें तो मोस्ट सूटेबल होता है n बाई टू। अब n या समीशन f एक ही होता है, n या समीशन f एक ही होता है, यानी कि वैसे ज़्यादा मसला ये है n बाई टू। अब हम मीडियम को निकालने के लिए सबसे पहले हम n बाई टू देखेंगे। n बाई टू हमारे पास कितना है, 55 बाई टू। हम इसको n बाई टू यानी कि 55 बाई टू हम इसको डिवाइड कर लेंगे। इसको डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आता है 27.5। सारा रोल इसी का होता है n बाई टू, यानी कि n बाई टू 27.5। इसका मतलब है कि हम 27, यहाँ से हमें मीडियम क्लास का पता चलेगा कि मीडियम क्लास कौन सी है। उसके लिए आपको मैं आसान सा तरीका बताऊंगी, यानी कि ये जो 27.5 है ना, आप इस सी एफ वाले कॉलम में देखें, ये क्या है 2 और ये क्या है 27.5। अगर आपको ऐसे समझना है तो आप ये समझ लें कि यानी कि ये बात तो डन है कि 27.5 को आपने इसमें देखना है, इस लास्ट वाले कॉलम में देखना है। अगर आपको लॉजिकली पॉइंट समझ नहीं आता कि किस तरह लाई करता है, तो आप ये देख लें आप, यानी कि एन बाई टू जो होता है ना 27.5। मसलन अगर आपसे कोई हदार मांगता है, आपका दोस्त आपसे हज़ार मांगते हैं 27.5, आप मुझे बताएं कि पहले आपके पास 2 रुपये इसमें से दे सकते हो, आप नहीं दे सकते ना। अब दूसरी वैल्यू आ जाती है 9, तो वो कितने मांगते हैं 27.5, 9 में से दे सकते हो, नहीं दे सकते इसमें से भी। फिर उसके बाद स्टेप बाई स्टेप नीचे आ जाना है। फिर 21 है तो वो 27.5 मांग रहा है, तो 21 में से आप नहीं दे सकते। इसका मतलब है कि ये मीडियम क्लास नहीं है। अब उसके बाद 21 के बाद 39 पे आ देखें, मतलब आपके पास 39 रुपीज़ है, आप ये आपसे 27.5, इसका मतलब है इसमें से तो आप दे सकते हो ना, ज़ाहिर आपके पास इतने, जहाँ पर जिसके अंदर से दे सकते हो या वो वाली जो आपके पास है, फिर मीडियम क्लास इसको हम इस तरह से कर लेंगे। ऐसे आप इसको ये हमारे पास आ गई मीडियम क्लास। हमारे पास सारा डेटा तकरीबन यहीं से आता है, इस मीडियम क्लास से। मीडियम क्लास दोबारा, यानी कि ये जो आपके पास एम बाई टू करने से आता है ना 27.5, फिर आपने देखा 27.5 तरतीब से किस में आता है, इधर इधर इधर,
उस तरह से तो नीचे भी आता है, लेकिन आपने पहले फर्स्ट स्टार्ट करके जो मसल देखते जाना है। तो इस तरह से हमारे पास सारा डेटा, यानी कि एम बाई टू तो हमारे पास आ गया, फिर सी एफ हमारे पास किस तरह से आएगा, उसके बाद एम बाई टू की बात आता है सी एफ। सी एफ हम किस तरह से लेते हैं, ये जो मीडियम क्लास होती है ना, जो मसल मीडियम क्लास यहाँ पर क्या है 39 है, और इससे जो पीछे वैल्यू है मीडियम क्लास से पीछे जो वैल्यू है इसको 21 कहते हैं। बाकी सारा डेटा हमें इसी लाइन के अंदर से मिलता है, लेकिन सिर्फ एक सी एफ से पीछे वाली वैल्यू होती है। अब हमारे पास क्या बचा, एम बाई टू भी मतलब पता लगा कि हमें 27.5 है और सी एफ भी हमारे पास 21 है। अब आपके पास रहेगा एल। एल क्या होगा, यहीं से आप आए सी बी सी बी सी बी सी बी, यहाँ पर हमारे पास ये वाली होती है। अब ये सी बी है, ये इसकी लोअर लिमिट होती है और ये इसकी अपर लिमिट होती है। अब जो सी बी की जो लोअर लिमिट होती है उसको एल कहते हैं। इसका मतलब एल हमारे पास क्या आ गया, 60। एल किस तरह से है, जो सी बी की लोअर लिमिट होगी उसको हम एल कहते हैं। अब हमारे पास रह गया एच और एफ। पहले हम देख लेते हैं एफ क्या होगा, ये जो इस लाइन के अंदर जो एफ है ना, वही एफ उसी को कहते हैं जो मसल इसके अंदर। वैसे तो एफ बहुत से 27 है, लेकिन जो मीडियम क्लास के अंदर है एफ हम वही लिखेंगे, यानी कि एफ हमारे पास 18, कोई और नहीं लिख सकते आप ये 18। अब हमारे पास एक बच के एच। एच को किस तरह से आपने निकालना है, एच को इस तरह से निकालेंगे कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि इसकी वही जो यहाँ पर 65 में से 60 को माइनस कर देंगे। 5 किस तरह से आएगा कि आप 65 माइनस 60 कर देंगे, यानी कि वैसे स्वागत के लिए लिखवारी बोलना आप 5 भी लिख सकते हैं। 65 माइनस 60 कर देंगे तो आपके पास 5 आ जाएगा। तो अब आप इसमें वैल्यू पुट कर लें, मीडियन इज इक्वल टू एल। एल की जगह पर आपने क्या लिखना है, 60 प्लस एच की जगह पर आपने लिखना है 5। एफ की जगह पर क्या लिखना है, 18। एन बाई टू 27.5 माइनस सी एफ। सी एफ सी एफ की जगह पर आपने लिखना है 21। अब एक्स चिल्डा ना पढ़ना है तो अलमदा ही पढ़ लो, 60 प्लस 5 बाई 18 माइनस करने के बाद आपके पास आ गया 6.5। फिर 60 प्लस 6.5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास आ गया 180। ये सारा करके 1 इसको उठाने 6.5 को ये आप 6.5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करके 18 से डिवाइड कर लें, ये 60 और ये तकरीबन कोई प्लस 1.80 आ गया। इस तरह से इसको प्लस करके 61.80, इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया। दो तीन क्वेश्चन और भी डिफरेंट किस्म के मीन मीडियन मार्क के मैं करवा दूंगी, लेकिन बेसिक कंसेप्ट जो है ना सारा यही है।